ये बड़ी अहम बात है। तो अल्लाह का डर, या फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जब जो है उस औरत ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ मुंह काला करना चाहा, जिसे मिस्र की जो है बीवी ने, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई देखने वाला नहीं था, बस अल्लाह का डर, खशियत इलाही, कि वहाँ से भाग खड़े हुए और अपने आप को उन्होंने महफूज कर लिया उस औरत से, है ना, अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, अल्लाह का डर, खशियत इलाही, कोई नहीं देख रहा मुझे फिर भी मैं डरता हूँ। तो एक बार जिसने सच्चे दिल से याद किया हो या मुझसे डरा हो, ला उनको भी निकाल लो जहन्नुम से बाहर। मतलब वो लोग जिनके आमाल की कमजोरियों से, गुनाहों के बायस वो जहन्नुम में चले जाएंगे, एक वक्त जहन्नुम की सजा भुगत लेंगे, उसके बाद एक आवाज़ दी जाएंगी कि निकाल लो उन लोगों को भी जहन्नुम से, चूंकि अल्लाह को तो बहाने चाहिए अपने, क्योंकि तो अल्लाह ताला अपने बंदों को सजा देने के लिए थोड़ी पैदा किया है उसने, वो तो बहाने ढूंढता है कि कैसे कैसे इनकी मगफिरत कर दो, इनको माफ़ कर दो, तो आवाज़ लगा जाएंगी निकाल लो जिन लोगों ने मुझे कभी याद किया हो, और निकाल लो ऐसे इंसान को जिसने जो है मेरे से कभी डरा हो, उसको निकाल के लाओ। तो देखिए अल्लाह का डर कितनी अहम चीज़ है।